हम बिहार से बने रोहतास जिला सासाराम। अरे वाह क्या बात, 300 रुपए लेके आए रहे गांव से। जी जी, पढ़ाई के डर से समझ नहीं कि पास सुखम कि ना पास सुखम। छानबे सोच था कि अपने को आगे बढ़ना है, कितना भी मुश्किल हो जाना नहीं है, और एक एक मिनट का भी समय इसमें लगाए। जो भी जिसको भी व्यापार करना है आगे बढ़ना है, और एक एक मिनट समय देंगे, गवाएंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्योंकि हम लकड़ा का काम नहीं करते हैं, कपड़ा ही बेचते हैं। जी जी, और सब्जी नहीं कि सड़ जाने वाली है, और हमारे पास रोज ग्राहक आते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि वो कहाँ से पैसा लेके आते हैं उनका आत्मा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी है सूरत में, सूरत रिंग रोड आपको बता दें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं विजय फैशन वाला, और पीछे की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, जरा वो तस्वीर दिखाइए। विजय फैशन, विजय भाई बिहार वाले, आपको बता दें कि विजय फैशन यहाँ पे एक साड़ी की बहुत बड़ी कंपनी है, और उनके आनर है विजय भाई। आज हम विजय भाई का इंटरव्यू आपको दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने मेहनत करके और एक इतनी बड़ी कंपनी की स्थापना कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और मिलवाऊंगा। आइए चलते हैं हम कंपनी के अंदर और उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मैं अंदर आ गया हूँ। अगर इधर गेट की बात किया जाए तो आप ये देख सकते हैं विजय फैशन, और आपको बता दें दोस्तों कि विजय भाई बिहार वाले, बिहार की धरती से चलकर और सूरत जैसे शहर में, जो कि कपड़ों का शहर कहा जाता है सूरत शहर, और ऐसे में अगर विजय भाई की बात किया जाए तो एक बहुत बड़ी मुकाम हासिल कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं पूरी फैक्ट्री है यहाँ पे, यहीं से कंपनी की शुरुआत होती है, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे ये काउंटर वगैरह है, ये देख सकते हैं। और अब हम चलेंगे उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे कस्टमरों को डील किया जाता है और सारी चीज़ें समझाई जाती है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार साहब। जी 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 सर, अगर हम विजय सर से मिलना चाहें तो कैसे मुलाकात हो सर? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले विजय सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़। नमस्ते। जी जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। सर आपका बहुत नाम सुने हैं कि सूरत इंडस्ट्री के अंदर आपने बिहार की धरती से चलकर लोगों के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक बन गए हैं, लोगों के लिए एक पहचान बन चुके हैं, तो क्या कुछ कहानियां हैं हम जरा जानना चाहेंगे कि विजय फैशन की शुरुआत कैसे हुई? सर कहाँ से है सर? सर हम उत्तर प्रदेश जौनपुर से हैं, और आपका मैंने विजिट किया, आपका वीडियो देखा और तमाम प्रकार की आपके बारे में जानकारियां कलेक्ट की, तो मैं मुझे लगा कि अपने चैनल के जरिए विजय फैशन के बारे में दिखाना चाहिए, क्योंकि आज गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर एक आग जल रही है, और वो मुंबई सूरत कलकत्ता जैसे शहरों में जाते हैं लेकिन सर पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। और वहीं से अगर हम बिहार की बात करें कि बिहार के एक जिले से विजय भाई भी निकलकर आए हुए हैं सूरत में, लेकिन आज कपड़ा की फैक्ट्रियों की बात किया जाए तो इतना बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर दिए हैं कि यहाँ से भारत देश के तमाम राज्यों में यहाँ से डिलीवरी की जाती है। हम लोग का नाम आता है आपको उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल आता है, इसीलिए तो हम आए हैं। हम क्यों भाग के आए? हम बिहार से बने रोहतास जिला सासाराम। अरे वाह क्या बात, 300 रुपए लेके आए रहे गांव से। जी जी, पढ़ाई के डर से समझ नहीं कि पास सुखम कि ना पास सुखम, 96 में। अरे वाह क्या बात है। तो यहाँ पे इतना मेहनत किए कि अब समझिए नहीं, दिखता है नहीं था दिन रात, यहाँ 2400 घंटा मेहनत किए हैं और आज इस स्तर पे हैं कि समझिए कि हमारे यहाँ जो भी आते हैं नया व्यापार करना है या पुराने व्यापारी आते हैं तो उनको रहना खाना फ्री देते हैं जी, और कोई भी फुल गारंटी देते हैं कि जिसको भी बिजनेस करना है तो सुरक्षा कवच देते हैं जी, कि 3 लाख रुपया से जो ज़्यादा लगाते हैं और उनका 1 साल में बिजनेस सक्सेस नहीं होता है तो माल रख देना और पैसा वापस लेके जाना। और आप तो न्यूज चैनल से जी, 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 जी। और इतना ही नहीं, पूरा उनको समझाते हैं, बताते हैं कि कैसे बिजनेस होता है, कैसे व्यापार किया जाता है जी, कैसे ओपनिंग करना है, कैसे रेंज लगानी है, कब कौन सा कपड़ा बेचना है, सारी चीजें हम बताते हैं। अच्छा रउआ ये बताई, जब आप बिहार से बानी तो रउआ ये बताई कि जब आप कहा तानी कि 300 रुपया लेके चलल रहनी और सूरत में आ गई नहीं, तो का ये आपके दिमाग में गांवे से विचार रहल कि हमें चल के सूरत में सारी फैक्ट्री ही खोले के बा कि कुछ और करे के बा? नहीं नहीं देखिए, हम तो चला रहे काम करे खाती, तो काम कहनी मेहनत कहनी किराना दुकान चलानी, फिर जैसे जैसे पैसा भैल एक छोटा दुकान कहनी डबल कहनी टेबल कहनी, आज 40-50
गले की दुकान है, ऊपर नीचे पूरी बिल्डिंग में है। आज व्यापारियों के लिए देखिए रहने के लिए कितना बढ़िया बनाए हुए हैं। तो ये सोच था कि अपने को आगे बढ़ना है, कितना भी मुश्किल हो जाना नहीं है, और एक एक मिनट का भी समय इसमें लगाएं। जो भी जिसको भी व्यापार करना है आगे बढ़ना है, और एक एक मिनट समय देंगे, गंवाएंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे को कुछ करना है। क्या बात है। अच्छा रउआ ये बताई कि अगर 2023 में केहू नया बिजनेस करे की शुरुआत सोचत बा और वो विजय फैशन से जुड़े चाहत बा, तो ओकरा के का करे के चाहिए और कैसे वो सूरत में आवे और कहाँ आपसे संपर्क करे, कैसे कैसे चीजें हो पाएंगे, जरा वो डिटेल्स बताएं हमारे दर्शकों। देखिए हमारे यहाँ जो भी स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है जी, उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो रहना खाना फ्री है, और जब स्टेशन आएंगे तो वो रिसीव कर लेंगे लड़के। तो मोबाइल नंबर को कॉन्टेक्ट रखना है, रात के आएंगे तो भी मेरे पास ड्राइवर है, दिन में आएंगे तो भी है, 10 बजे 11 बजे रात तक आते हैं तो भी उनको खाना मिलता है, फिर उनको सुबह ला के हमारे से मुलाकात करा देते हैं। और जिसको भी बिजनेस करना है तो उनकी मेन खरीदी होनी चाहिए। अभी ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं तो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर लेते नहीं हैं, फोटो भेजते नहीं हैं, टाइम नहीं है, चीटिंग हो जाता है। हम कहते हैं जिसको भी व्यापार करना विजिट कीजिए, रहना खाना फ्री है, आइए आंखों से देखिए, हाथों से छुइए, तो व्यापार होता जी। घर बैठे सोचते हैं कि 10-20 हज़ार लगा लूँ व्यापार हो जाएगा, नहीं होगा। वहीं खरीदिए, वहीं से सीखिए, सीखना है 10-20 हज़ार लगा के दो, 1,50,000 लगाएंगे तो जाकर के थोड़ा चार चार सिंपल आता है, तब जाकर के उनका मेहनत करने के बाद में बिजनेस ग्रोथ होता है। 3-5 लाख रुपया लगाते हैं तो पूरा रेंज आता है, तो उनकी दुकानदारी आगे बढ़ती है। फिर उनको हम बताते हैं कितना परसेंट ग्राहक को डिस्काउंट देना है, कितना परसेंट मार्जिन रखना है, कौन सा कपड़ा सीजन का कब लेके जाना है, सारी चीज़ें यहाँ बताकर फुल गारंटी देते हैं, सुरक्षा कवच देते हैं कि व्यापार सक्सेस नहीं हुआ तो माल रख दो और पैसा वापस देंगे, क्योंकि हम लकड़ा का काम नहीं करते हैं, कपड़ा ही बेचते हैं, और सब्जी नहीं कि सड़ जाने वाली है। और हमारे पास रोज़ ग्राहक आते हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है कि वो कहाँ से पैसा लेके आते हैं उनका आत्मा जानता है। आज मोबाइल का ज़माना चलता है, कोई भी गैर जीवन से बोलते हैं मेरे को बिजनेस करना है पैसा दो, तो बोलते हैं तो बरदिन मोबाइल चलाता है, घूमता है, आवारा है, पैसा दूंगा सक्सेस होगा नहीं होगा, तो उनके लिए फुल चांस है। घर जीवन को टेंशन नहीं लेना है, निसंकोच होकर पैसा लगाइए, और विजय फैशन की पोम विजय फैशन की फुल गारंटी है कि आपका बिजनेस सक्सेस करके देंगे। अच्छा जरा से और हम उस जर्नी को जानना चाहेंगे कि जब आप सूरत में आपकी एंट्री हुई थी 1996 का दौर हम जानना चाहते हैं, आप किन किन परिस्थितियों से गुजरे थे और क्या क्या किए थे, और ओम विजय फैशन की शुरुआत किस सन में हुई थी? देखिए 2000 सन में हमने किया था, और 4 साल हमने सर्विस किया, किराने की दुकान चलाया, और बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया, एक छोटा सा दुकान से करते करते करते, हिम्मत हारना नहीं चाहिए, हिम्मत रखेंगे तो आगे बढ़ते ही जाएंगे। कोई बेमानी नहीं कीजिए, किसी को लो तो एक बार नहीं जल्दी दो, एक ही मंत्र है, आप ये मत समझो कि मैंने उसका ले लिया, हम तो आज जानते हैं आपने किसी को दे दिया तो उसका हो गया, और जो आपके पास है वही आपका है, तो किसी को लो तो दे दो, बिजनेस में सक्सेस नहीं होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है, रउआ आपो जाना तानी कि गांव में सब केहू अमीर नइखे होखेला, सही बा कि ना बा, और जब वो वहाँ से गांव से शहर में आवेला तो ओकरे पास पैसा बहुत कम रहेला, अगर केहू आपसे जुड़े चाहत बा वो कितने पैसे से शुरुआत करे और अपनी एक साड़ी कंपनी या साड़ी शॉप या साड़ी दुकान की शुरुआत करे, वो कितने पैसे से आपके यहाँ बिजनेस में जुड़ सकता है, जरा ये आप सर्टिफाई कर दीजिए। 50,000 रुपया लगाएंगे तो 4-4 सैंपल आता है, 50,000 से 1,00,000 रुपया लगाएंगे तो उनको सैंपल आएगा, और बहुत मेहनत करेंगे धीरे धीरे करके तो ग्रोथ कर जाएंगे और सक्सेस हो जाएंगे। और उनका जल्दी ग्रोथ करना है, एकदम फुल सक्सेस की गारंटी लेना है, तो 3,00,000 रुपया जब लगाएंगे तो उनको हम सुरक्षा कवच देंगे कि उनको बिजनेस सक्सेस होना ही होना है, पूरा एकदम सुरक्षा मंत्र दे देंगे, सुरक्षा कवच बना के देंगे, स्टाम्प पेपर लाओ लिख के देंगे कि आपका बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ तो माल रख देना और पैसा वापस लेके जाना। क्या बात है। तो दोस्तों आपको बता देना, आज आपको कोई एंटरटेनमेंट नहीं दिखा रहे हैं,
न कोई आपको पॉलिटिकल नेता से मिला रहे हैं, बल्कि मैं आपको बिहार के एक ऐसे शख्सियत से मिला रहे हैं जो कि बिहार में, जो कि दोस्तों बिहार से चलकर सूरत जब वो आए थे तो 300 रुपया लेके आए थे, लेकिन अगर हम आज बात करें ना, वो करोड़ों की कंपनी खड़ी कर चुके हैं, कई करोड़ों की कंपनी खड़ी कर चुके हैं, वो हैं हमारे विजय भाई जी। अच्छा सर, और आप एक बात बताएं, ग्राहक ही एकदम, जहाँ के हर स्टेट के ग्राहक आते हैं तो विजय भाई बिहार वाले प्यार से बोलते हैं, और हमारा बोर्ड पे भी देखे होंगे विजय भाई बिहार वाला गर्व से लिखा हुआ है। रउआ जब भोजपुरी बोलनी है ना तो वहीं से लग गई कि आप प्योर बिहारी हवा एकदम एकदम जी जी जी। और सबसे बड़ी बात जहां तक हम समझनी है सर के, कि एगो जवन लगाव बा ना, वो बहुत बड़ा बिजनेस व्यापारी बन के ना बा, एक परिवार की तरफ मिलते हैं। व्यापारी हमारे पास आते हैं हर स्टेट का, कहीं के भी, उनके लिए 80 रूम बना के रखे हैं, बेड वगैरह सब रखे हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, कोई विजिट पे भी आता है तो निस्वार्थ सेवा देता है, ऐसा नहीं है कि आगे तो लेना ही पड़ेगा, पूरी मार्केट घूमो, जहाँ पसंद है वहाँ लो, आपके साथ चीटिंग नहीं होना चाहिए। क्या बात है। हाँ, मतलब वो देख करके, सोच बूझ करके आपको खरीदी करना चाहिए, मेरे को कहाँ खरीदी करना है, और हमारा सारा सुविधा आपको प्राप्त होगा, जो नंबर दिया है उस पर फोन करेंगे, आपको हमारे लड़के रिसीव कर लेंगे, हमारा ड्राइवर रात को भी रखा है, दिन का भी रखा है, गाड़ी कब आती है, लेट भी आ जाती है, जल्दी तो आएगी नहीं, तो कुहासे चलता है, तो गाड़ी लेट भी हो जाती है तो भी आपको रिसीव कर लेते हैं, गाड़ी का नंबर रहता है, ट्रैक कर लेते हैं और आपको हमारे तक मुलाकात करा देते हैं। अच्छा, एगो और सवाल करब, वीडियो बहुत लंबा होत बा और हम एंडिंग की तरफ चलब, दो चार सवाल, दो एक क्वेश्चन और करेंगे। रउआ ये बताई कि सुरते में कुछ करो करे के बा, कि बिहारों चले के बा, और कुछ सामाजिक सेवा करे के बा, ऐसा कुछ विचार बा? सेवा तो करते ही है ना, देखिए हम लोग यहाँ पे भी रहते हैं, किसी को भी जो भी हमारे से होता है तो सेवा तो करते हैं ना, बिहार में भी जाते हैं, शादी ब्याह नात रिश्तेदार ऐसा थोड़ी कि छोड़ देते हैं, हर साल में दो बार जाते ही जाते हैं गांव में। आखिरी सवाल की तरफ हम आगे बढ़ब, कि उन तमाम ग्राहकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो विजय फैशन से जुड़ना चाहें तो कैसे अपने आप को एक सक्सेस, विजय भाई की तरफ एक सक्सेस इंसान पा सकते हैं? पहले उनको मेहनत करने की सोच रखनी पड़ेगी कि फुल मेहनत करना है, पैसा 10,000 भी लगाएंगे और मेहनत करेंगे तो सक्सेस होंगे। उसके लिए क्या, एक एकदम सीधा सा बात बताता हूँ कि कोई 20,000 रुपया ब्याज से भी निकाल के लाएगा और चावल आटा भी शाम को खरीदना है, तो जो मेहनत करेगा कि सुबह उठा और जाके फेरी मार के आएगा तो चार साड़ी बेच के ही आएगा, तो घर चलाएगा, उसका इंटरेस्ट भी भर देगा और आगे भी बढ़ेगा। मूल मंत्र आपको बता रहा हूँ, बिना मेहनत का कुछ नहीं है, जैसा पैसा डालोगे वैसा ग्रोथ होगा, और जिसको भी बिजनेस करना है तो यहाँ पे आइए, सारी चीज़ें हम समझाते हैं। हमारा मेन लक्ष्य है कि आप कैसे सक्सेस होंगे, यही बता देता हूँ जी जी जी। हाँ तो सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और क्या कहना चाहेंगे भारत के समस्त राज्यों से, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। हम तो उनको यही कहेंगे, जिसको भी बिजनेस करना है आइए, विजिट कीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे आप काम कीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि ये हम बिहार के एक सफल बिजनेसमैन जिनका नाम है विजय भाई बिहार वाले, हम उनसे बातचीत कर रहे थे। इनकी हमारी बातचीत कैसी लगी, और ख़ास करके आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप सूरत आ रहे हैं तो एक बार विजय फैशन ज़रूर आप विजिट करिएगा, आप माल यहाँ से खरीदें या ना खरीदें, लेकिन एक बार कंपनी को ज़रूर विजिट, हाँ ज़रूर विजिट करिएगा, और यहाँ पे रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं आपको दी जाएंगी। और हालांकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक बार जब विजिट करेंगे तो आप विजय भाई को जब पास से पहचानेंगे तो शायद जो आप इंटरव्यू में देख रहे हैं वही सेम टू सेम आप पास से पाएंगे। हालांकि मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट खबर में और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।